राजनीतिक अभियान ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मंगल सिंह आईपी द्वारा 27 जुलाई 2020 को 7 मांगों वाला ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था, जिस पर संतोषजनक कार्रवाई न होने पर आज पीड़ित परिवार के साथ ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल मार्च किया। पैदल मार्च करते ही भारी संख्या में संदीप यादव कांड पर पीड़ित परिवार संदीप यादव कांड पर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मंशा रखने वाली कानपुर की आम जनता उमड़ पड़ी, जिसको कंट्रोल करने के लिए कानपुर के कई पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और जबरदस्ती पीड़ित परिवार एवं ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष व समर्थकों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। अंत में कई पुलिस अधीक्षक कानपुर व नगर मजिस्ट्रेट द्वारा हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री महोदय से समय लेकर मिलवाने का लिखित आश्वासन दिया व 7 मांगों वाला ज्ञापन कानपुर नगर मजिस्ट्रेट ने लिया, जिसके बाद ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीड़ित परिजनों के सगे संबंधियों एवं शुभ चिंतकों द्वारा पीड़ित परिवार को मनाकर प्रशासन द्वारा दिए समय का इंतजार करने का अनुरोध किया गया, जिसे पीड़ित परिवारों ने मान लिया। लिखित आश्वासन देने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व मजिस्ट्रेट से वार्ता करते हुए ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि यदि आप लोगों द्वारा दिए गए इस आश्वासन के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो ऑपरेशन विजय भविष्य में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु सख्त व ऐतिहासिक कदम उठाएगा। कि पीड़ित परिवार आज इस स्थिति में है कि तीनों ने अगर जान दे दी तो क्या आप करेंगे, क्या सीधे क्या सामाजिक संगठन करेंगे? सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आप जैसे इंस्पेक्टरों ने पुलिस को बदनाम किया है, आज आज पूरे उत्तर पता है क्या इतिहास है, क्या इतिहास है, क्या बहुत दुकान जाना सकता है, हम किराए खरीदा बात करते हैं, आप गाड़ी का खरीद भाई साहब बात ही अच्छा गया, आपके लिए और क्या बोलूं, आप उनको समझाइए बड़े भाई, आप सारे वो ठीक है, आप गाड़ी में 15 अगस्त के बाद आपको अवगत कराकर परिवार को हम उनके मिलवा देंगे, अपने दस्तखत किए हैं पुलिस अधीक्षक ने और इन्होंने, और हमने इनको कहा है कि अगर 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसे सड़क पर उतरे हैं। एसपी साहब आए यहाँ के, बड़े सहयोगकारी हैं जी सर, अभी हमारी बहुत लंबी बहस हो गई, लेकिन अभी परिचय हुआ सर, यही हमारा सखी गोपी नगर पीछे में, हाँ लेडीज़ और लेडीज़ पहले बैठे साड़ी उचाल की अरे आ रही यार,
आप गाड़ी से आगे आइए। चलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। हम मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, 15 दिन हो गए, अभी भी सीबीआई जांच नहीं। पुलिस वाले बुला लेते, अब भी हमें शुरुआत से जो मेरे साथ करते आए हैं अब भी वही करते हैं। 2 दिन 4 दिन और कहते हैं टाइम बहुत हो गया। टाइम क्या हमने किया है? टाइम बहुत हो गया। मेरे भाई को गए हुए 2 महीने हो गए, उन्होंने कहा अब तुम्हारा भाई मार दिया गया। हमने मार लिया, मार दिया गया है। हमने कहा जैसा भी है, जिस साल में मेरा भाई मुझे ला के दे, लेकिन मेरा कोई नहीं सुन रहा है। हम मुख्यमंत्री आवाज जा रहे हैं, मोदी जी जगिए, योगी जी जगिए, एक बहन के भाई को न्याय दिलाइए, जो दोषी है उनको फांसी दीजिए, नहीं तो हमारे घर में 3 लोग हैं, हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। परिवार में हमारी माँ है, मेरे पास